तो ऑनलाइन क्लास में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं, हम पीपीटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन वगैरह बनती है, और हम बात करेंगे आज ट्रांजिशन टाइप के बारे में। हमने होम इंसर्ट डिजाइन टाइप कर चुके हैं, तो फिर ट्रांजिशंस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूज होता है एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड जब ओपन होगा तो किस तरह से आएगा। जनरली से आपने अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी स्लाइड शो करें F5 करते हैं, तो ये स्लाइड दिख रहा है आपको। हमने नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने किया तो इस जस्ट कैजुअली आ रहा है, इसके बीच में किसी तरह का कोई ये नहीं इफेक्ट नहीं है। आपको इफेक्ट डालना है तो जैसे कि अगर हम दूसरे स्लाइड, पहले स्लाइड तो नॉर्मल होती है, पहले स्लाइड भी करता हूँ, पहले स्लाइड पर मान लीजिए कि हमने ये डाल दिया बिम, फिर दूसरी स्लाइड पर भी हमने डाल दिया फिर। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं F5 करूँगा तो ये आया बेटा, दूसरा देखेंगे अगर मैं इसको पुश करूं तो इस तरह से आएगा, ठीक है। F5 करता हूं, ये देखा धीरे धीरे लाइट आया ना, देखा आपने। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन करते थे, इसमें कई सारे हैं, जैसे कि पहला तो आपका ये आता है मॉर्फ, दूसरा आता है आपका फेड, तीसरा आता है पुश, चौथा आता है पाइप। मान लीजिए चौथे की बात करें तो हमने मान लीजिए कि इसमें पाइप लगा दिया तो वाइप इस तरह से आएगा। पांचवें में मान लीजिए मैंने स्प्लिट लगा दिया तो इस तरह से स्प्लिट होगा, प्रीव्यू दिख रहा है आपको। रिवल करते हैं तो इस तरह से रिवल होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो कट होगा। उसके बाद आपका ये रैंडम बार्स, इस तरह से रैंडम बार्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे शेप इस तरह से गोले कार में आएगा। अगर मैं अनकवर करूँ इस तरह से, जैसे पेज स्वाइप होता है ना, उस तरह से स्वाइप होगा। और फिर यहाँ पे कवर, कवर की तरह इस तरह से आएगा। उसके अलावा इसमें और भी है, जैसे फ्लैश, फ्लैश पे आएगा। अगर मैं इसको ये करूँ, ये आपके पास और भी है, जैसे कि फॉल ओवर, फॉल ओवर में इस तरह से होगा। अरे वाह, ठीक है। फॉल ओवर के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ड्रैप, ये आपका ड्रैप होगा, जैसे कैलेंडर होता है ना। उसके अलावा इसमें आपका यह आता है कार्टेन, पर्दे की तरह हटेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें विंड, ये आपका हवा की तरह उड़ आ जाएगा, जो बनना पेज होता है ना, उड़ जाता है उस तरह से उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी है आपका प्रेस्टीज है, ठीक है। उसके बाद चौदहवें पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये है आपका फ्रैक्शंस है, जैसे टूटेगा शीशे की तरह, शीशा टूटता है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें ये आपका एयरप्लेन, ये आपका एयरप्लेन बन के उड़ जाएगा, है सर मजेदार। यस यस राइट सर। ये आपका ओमिनी बन जाएगा इसका, इस तरह से भी मजेदार है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें ये आपका डिस्क्लोज, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरह से आएगा, मतलब कि इसके बाद ये हो गया आपका, ये ब्लिंड हो गया, ये आपका क्लॉक, इस तरह से क्लॉक की तरह जाएगा। अगर हम इसमें और बात करें आगे, ये आपका रिपर हो जाएगा, जैसे वाटर पे होता है ना ड्रॉप डालने पर। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसमें आपका इस तरह से आपका ये इस तरह के गोल का जो आपका हॉर्निक क्लॉक होता है गिटार हो जाएगा, वेटिक्स हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, या आपका स्विच होता है, इस तरह से स्विच होगा, जैसे हम लोग कार को स्विच करते हैं ना। अब रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है उसके ऊपर, इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि आप कहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप बॉक्स कर देंगे तो ये बॉक्स की तरह, इस तरह से बॉक्स भी जैसे होता है उस तरह से दिखेगा। उसके बाद बॉक्स के बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है कॉम, ये बीच में से हटेगा थोड़ा थोड़ा इस तरह से। कॉम के बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा जूम होता है, ये आपका जूम होगा। और यहाँ हम बात करें इस पर,
है, हमारे पास यहाँ पर रैंडम है। रैंडम में क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, हर बार बदल जाएगा, ठीक है, रैंडमली। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे पुश है, ये पैन है, सॉरी पैन, ये पैन की तरह आपका होगा, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड नहीं हटेगा, ध्यान रखिएगा। पैन में डायनेमिक है, इसे डायनेमिक बोला गया है। यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रंट व्हील है, ठीक है, और इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि रोटेट हो गया, विंडोज हो गया, फ्लाई थ्रू हो गया, ओके, ठीक है सर। अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका ट्रांजेक्शन वर्क किया। ठीक है सर, दिख रहा है ना सर, अब इसको एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको स्कैप करता हूं और इसको मैं इसमें अगर कोई साउंड देना चाहते हैं तो यहां पे आप साउंड दे सकते हैं। मैंने साउंड में मान लीजिए कि ये बॉम्ब का दे दिया, ठीक है, और ड्यूरेशंस 3 मिनट का है, इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं आप। मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ, ये अप्लाई टू ऑल, कहीं अभी तो फिलहाल करेंट हमारा 16वां स्लाइड है, इस पर अप्लाई है, बट अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो जितने भी स्लाइड है सब पे अप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आता है कि आफ्टर स्लाइड कि कब आपका एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पे कब होगा, तो आफ्टर ये क्या है, ऑन माउस क्लिक दिख रहा है, इसके जगह पे आप टाइमर सेट कर सकते हो कि भाई 3 सेकेंड बाद आए, 4 सेकंड बाद आया, मैं 3 कर देता हूँ, 3 सेकंड बाद आया। अब मैं इसमें एक बार यहाँ से अगर मैं F5 करता हूँ तो अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना हूँ मैं, ठीक है, 4 सेकंड बाद अपने आप सब पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। बट ये आपको यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया ना, अप्लाई टू ऑल नहीं किया था, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 सेकेंड है, अप्लाई टू ऑल, अब वेरीफाई कीजिए। हेलो सॉरी, हाँ सर, ठीक है, यस सर, साउंड भी आ रहा है पीछे से, अगर हर बार दिख रहा है ना, एक ही बैकग्राउंड दिखा रहा है ना, उड़ रहा है, क्यों, क्योंकि जिस स्लाइड पे हमने किया तो उसको अप्लाई टू ऑल कर दिया, समझ गया ना, ओके, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है, ये ओमिनी आ गया था, तो हर स्लाइड में आपको अलग अलग करना है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। बट ये जो हम आफ्टर में 2 सेकंड लगा है उसके लिए अपलाइड ऑल करने के बाद इफेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन आपका जो ट्रांजेक्शन स्लाइड में चेंज हो जाएगा, तो इसको आपको बाद में लगाना है, पहले आप इसको कर लीजिए उसके बाद इसको अप्लाई कीजिएगा, वरना क्या होगा सब पे सेम हो जाए, एरोप्लेन हमने कर दिया ना, हमने इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ए हर पे एरोप्लेन वाला ही अप्लाई हो जाएगा, ओके, समझ गए, डाउट इसमें नहीं सर, कोई डाउट। अब इसको मैं अगर फाइल को सेव एज करूं वीडियो में तो वीडियो में भी आपको लगेगा कि इस तरह से एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से आ रहा है। मैं काम करता हूं इसको एक सेव एज करता हूं, मुझे फाइल को सेव एज, और मैं ब्राउज में आता हूं, और पावर प्रेजेंटेशन की जगह पे MP4 वीडियो, और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लूँगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, टाइम को साइज ज़्यादा रहेगी या सेम रहेगी, क्या साइज तो सर वो तो वीडियो के अकॉर्डिंग देता है, ये आ गया MP4 दिखा आपको, इसकी साइज देख लीजिए, साइज कितना है,
स्वाति में सर वीडियो बनाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। पर्सन है क्या? जीरो बाइट आ रहा था, अभी नहीं हुआ लगा, सेव नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, कंप्लीट हो जाना चाहिए था इसको। ये नीचे नहीं गए, वो चल रहा है, इन प्रोसेस है। नहीं प्रोसेसिंग में तो फिर डुप है होता ना, टास्क बार में दिख रहा है, तो टास्क बार में दिख रहा है जी। हाँ जी ठीक है, इसको होने देते हैं, हम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है सर। जितना ज़्यादा स्लाइड्स होंगे उतना ज़्यादा वीडियो लेंगे, और टाइमिंग दिख रहा है ना, 2 सेकंड है, तो हर में 2 सेकंड ले रहा है। और परसेंटेज भी हमारा बढ़ रहा है, तो ये आपके समझ में आ गया। प्रीव्यू क्या होता है, जैसे अभी जब इसको अप्लाई करते हो तो मान लो अप्लाई करने के बाद भूल गए कि कैसा होगा, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि कैसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो इफेक्ट है, इसके अलावा इस पर क्या क्या इफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपको राइट करना है या लेफ्ट करना है, ठीक है ना सर, आपको राइट से लेफ्ट करना है, लेफ्ट साइड, तो ये भी हर जगह पे चेंज होता है, ये भी हर जगह पे अपना चेंज करता है। ओके क्लियर है? यस सर। तो ये हमारा ये हमारी जो टैब है, हमारे ट्रांजिशन का ये टैब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है, ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे आता है एनिमेशन। अगला टैब क्या है? एनिमेशन। अब जैसे अभी जो हमने अप्लाई किया वो स्लाइड्स के ऊपर था, ट्रांजेक्शन जो आपने अप्लाई किया वो स्लाइड के ऊपर, बट स्लाइड के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्लाइड के अंदर की चीजें है वो अप्लाई, तो वो हमारा एनिमेशन में आता है। जैसे कि मैं इस फॉर्ड वाले लोगों को सिलेक्ट किया और इसको मैंने बोल दिया अपेयर, ठीक है, वर्ण लग गया ना, ये अपेयर हो गया। अगर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से। अगर मैं इसको फ्लॉट कर दूं कि फ्लाई इन बन जाता है, तो नीचे से फ्लाई ऊपर आएगा, देखा सर, प्रीव्यू देखिए, नीचे से फ्लाई ऊपर आएगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि फ्लोट इन करे, इस तरह से फ्लोट करेगा। अगर आपने बोला कि नहीं स्वैप करे, तो ये आपका स्वैप करेगा। और इसमें भी आप देखेंगे तो इसी तरह के बहुत सारे कंडीशंस और इफेक्ट है, राइट सर। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया गोल टर्न, इस तरह से टर्न हो गया आएगा, देखिए। अब मैं इसको यहां से हटा दिया, यहां कर दिया है, अब मैं इसको फिर दिखाता हूं, समझे? yes. तो ये आपका ये चीज कर सकते हैं, तो इसके अंदर अब जैसे एक से ज्यादा है उस पे, एक से ज्यादा पे भी कर सकते हैं, कम है एक से कम पे ही कर सकते हैं। ओके yes. उसके अलावा इसमें एनिमेशन और भी, जैसे बहुत सारे एनिमेशन है जिसको ऐड कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आप मोशन पैन करना चाहते हैं ना, यहाँ देखिए मोशन ए आपका, ठीक है सर, ये लूप आ गया सर। अभी इस रोटेशन पे बढ़ेगा, इसको ज्यादा बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ऊंचा करना है ऊंचा कर सकते हो। अब देखिए पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, समझे? right. इस तरह के लूप आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये एनिमेशन के बाद फर्स्ट आइकॉन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इनविजिबल हो सकता है, ये इनविजिबल होगा जब ये प्ले होगा ना, जब ये आपका जो विजुअल ये होगा तो इनविजिबल होगा, ये दिख रहा है कुछ नंबर्स वो आपको दिखाता है, मतलब जैसे कि फर्स्ट आइकॉन इनविजिबल हो जाए और सेकंड एनिमेशन के लिए सेकंड आइकॉन विजिबल हो जाए,
जी हो जाएगा, चिंता नहीं, हो जाता है। ओके तो वीडियो बनाए, चलिए उस वीडियो को देखते हैं, वीडियो क्या है। इसमें साउंड नहीं है, वीडियो तो बन गया सर, देख रहे हैं ना, राइट सर, लेकिन बॉम्ब का साउंड था, वो बॉम्ब का साउंड नहीं है, लग रहा है हमने वीडियो बनाते इसमें छेड़छाड़ कर दी होगी ना शायद इस कारण से। ठीक है, तो वीडियो का टोटल आपका 1 मिनट 7 सेकंड नहीं, ये टोटल आपका वीडियो है 1 मिनट 7 सेकंड के आसपास की होगी, 1 मिनट नहीं 1 मिनट 40 सेकंड की है। मतलब ये वीडियो का ड्यूरेशन डिपेंड करता है, वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने जो स्लाइड के अंदर, जो स्लाइड आपका है उस स्लाइड के अंदर क्या किया होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहते हैं। कितने स्लाइड्स हैं और उसके अंदर कितनी एनिमेशंस हैं, और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड और एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में कितना गैप है। तो ये आप ट्रांजिशन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट सर? यस सर। कल हम एनिमेशन के टॉपिक को करेंगे, तो दोनों करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों सिमिलर है, बट एक होता है हमारा स्लाइड के ऊपर, दूसरा होता है स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कल इसको मैं फिनिश कर दूंगा, तो फिर आपके आपका कोर्स में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि स्लाइड शो नॉर्मल है, कोई खास इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट सर? नहीं सर।